ये हम लोग ने बाथरूम का पहले फिटिंग किया था, अभी इसका फिनिशिंग से भी फिटिंग किए हैं। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये मेन लाइन जो आ रहा है वो छत पर से, उसका ये पॉइंट है यहाँ पे यानी चालू बंद करने से पूरा बाथरूम बंद हो जाएगा। इसके लिए मेन वाल है कैंसिल वाल, और उसके बगल में देखिए यहाँ पे हम लोग ने ये डायवेटर का पॉइंट दिया है। यहाँ पे ये डायवेटर का है, और यहाँ पे नीचे स्पाउंड दिया, स्पाउंड के साथ हैंड शावर का भी ज्वाइंट कर दिया है हम लोग ने इसी के साथ। यहाँ पे हैंड शावर का पॉइंट दे दिया है और एलिवेटर है, और ऊपर देखिए आप देख सकते हैं ये रेन शावर है ऊपर, ये रेन शावर का पॉइंट है जो ये जिप्स है, ये देखिए जिप्स अंदर से थोड़ा कटा हुआ है, ये देख सकते हैं जो जिप्स है तो अंदर से कटा हुआ है। ये जो है ना जो रेन शावर है वो लेवल में जिप्स के, ताकि उसका डिकोर अच्छा है, और ऊपर का भी पाइप नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर चला गया डिकोर के अंदर, यानी रेन शावर उसके अंदर लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेट स्प्रे का पॉइंट हो गया ठंडा गर्म, यहाँ पे जेट स्प्रे लगा दिया। ये फ्लश टैंक का इसके बगल में पॉइंट दे दिया, क्योंकि ये बाथरूम ज़्यादा बड़ा नहीं है इसके हिसाब से। और यहाँ पे कमोड का पॉइंट हो गया है, यहाँ पे ये लगा है, और यहाँ पे दूसरा जेट स्प्रे का पॉइंट है, क्योंकि ये कुर्सी इंडियन है, इसके लिए इसका फ्लश टैंक ऊपर हो गया है। और यहाँ इसको दोनों को देखिए, गैप नहीं है ज़्यादा, पास पास में ज़्यादा, इसलिए कि यहाँ पे एडाप्टर लगा है, तो यहाँ पे यानी 80-85 सेंटीमीटर शीशा बाद में लगा सकता है अंदर नहाने के लिए, शीशा घेर सकता है इधर से, इसके लिए उसके अंदर में है। और यहाँ पे इसके लिए ये दोनों कमोड और इंडियन कुर्सी दोनों पास में है। यहाँ पे ये देखिए साबुन रखने के लिए हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे टिश्यू पेपर रखने के लिए हो गया, और ये देखिए आप यहाँ पे कपड़ा टांगने उड़ने के लिए जब नहाएगा तो यहाँ पे तावल लगाने के लिए, इसके लिए वहाँ लगा दिया। और यहीं पे वाश बेसिन का पॉइंट है, ये वाश बेसिन का जो नीचे का पिलर था वो नहीं है, देख सकते हैं आप, इसी के अंदर आउटलेट हर एक चीज़ें देखिए, इसके अंदर हर एक चीज़ आउटलेट और एंगल वाल सब इसके अंदर है, यहाँ सामने से नहीं दिखाई देगा, ये देखिए ये सामने से नहीं दिखाई दे रहा है, इसका डेकोर ऐसे है नहीं, नीचे से कुछ नहीं दिखाई देगा, देखिए पूरा नीचे से साफ सफाई करने के लिए भी आसान है, नीचे से कुछ नहीं दिखाई देगा। और इसके ऊपर गीजर लगा दिया, यहाँ पे गीजर लग गया, यहाँ से कनेक्शन है पूरे बाथरूम में गर्म के लिए। अभी इसमें समय पानी भी चालू है, पानी भी चालू है सब में। और ये जो आप देखते हैं ये देखिए गेट, गेट के साथ है, थोड़ा सा फर्क है बस, यानी ये इधर पास में भी रहेगा तो, क्योंकि उसके ऊपर से गेट खुल जाता है बंद हो जाता है। ये अभी फिनिशिंग ऐसा है अभी इसका, यहाँ पे वाश बेसिन, उसके बाद शावर, और इस दीवार में देखिए तो यहाँ पे इंग्लिश कमोड है और यहाँ पे इंडियन, इस तरीके से इसका आया है। और इधर लगाने का अभी ये बाहर का है, अभी ये बाहर में देखिए यहाँ पे ये वाश बेसिन है, ये वाश बेसिन यानी ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और नीचे भी इसका पॉइंट दिया है। तो इसमें अभी देख सकते हैं आप, ये ऊपर से भी धोने के लिए और नीचे से भी आप धो सकते हैं, इसके लिए इसका आउटलेट अलग से डालना पड़ता है, और इसका भी आउटलेट दो नीचे, यानी आप चाहिए तो वाई मार दीजिए, टी मार के दो आउटलेट डालना पड़ता है इसके लिए। अभी देखिए अभी यहाँ चालू करेंगे, यहाँ पे चालू करेंगे, ये जो है ये नीचे का है, देखिए ये नीचे आ रहा है, और यहाँ से ये ऊपर का पानी के लिए, देखिए ऊपर के लिए, और इसका पॉइंट भी चार बनाना पड़ता है, दो ऊपर उस साइड के लिए और दो इसके लिए, यानी चार पॉइंट बनाना पड़ता है। ये बाहर का है, और वो जो फिटिंग था वो अंदर का है। ये अभी हमारा जो फिनिशिंग है ये ऐसा है,
और यहाँ पे मिरर लगा है, और यहाँ पे तावल वावल डालने के लिए, हाथ साफ करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है।